नमस्कार, स्वागत है आपका साथ के बिसात में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडियन प्रीमियर लीग की खबर से, जिसका आज रिजर्व डे पर महामुकाबला हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। ये फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही देर के बाद खेला जाएगा। आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार होगा जब फाइनल रिजर्व डे पर खेला जा रहा है। रविवार को अहमदाबाद में बारिश होती रही और इस कारण मैच नहीं हुआ। इसी वजह से आज शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल के फाइनल मैच के बीच अहमदाबाद के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो एक्वा वेदर के मुताबिक आज शाम 5 बजे के आसपास बिजली गरजने के साथ बारिश होने की संभावना जाहिर की गई थी। सीएसके 10वीं बार फाइनल खेलेगी। टीम ने 4 बार खिताब जीता है। वही गुजरात लगातार दूसरी बार फाइनल पहुंची है। टीम पिछले साल ही चैंपियन बनी थी। बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ था कल, और लीग में टॉप पर रहने वाली, अगर आज भी मैच बारिश की वजह से रद्द होता तो लीग में जो टॉप पर रहने वाली टीम है उसके रन रेट के आधार पर विजेता की घोषणा की जाएगी। ऐसे में गुजरात टाइटंस आईपीएल लीग के समाप्त होने के बाद टॉप पर थी, और जबकि चेन्नई दूसरे नंबर पर थी, और इसीलिए अगर रन रेट के मुताबिक फैसला होता है तो गुजरात टाइटंस आईपीएल 2023 की विजेता हो जाएगी। और ताजा अपडेट आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। यानी कि गुजरात टाइटंस पहली इनिंग खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए पिच पर उतरेगी। मैच थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन जो टॉस हुआ है उसमें चेन्नई ने फील्डिंग को चूज किया है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अब तक के जो 26 मुकाबले मोटेरा के स्टेडियम पर आईपीएल के हुए हैं उसमें जो रिकॉर्ड्स है वो ये बताते हैं कि 14 बार वो टीम जीती है जिसने कि चेस किया है स्कोर को, और 12 बार वो टीम जीती है जो कि पहली बार स्कोर खड़ा करने के लिए, पहली इनिंग खेलने के लिए पिच पर उतरी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में चुनावी दाव लगाने की राजनीति तेज हो गई है। बीते दिनों मूछ और बाल दाव लगाने के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ने सीधे सीधे राजनीतिक जीवन को दाव पर लगाने की बात कही। विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने जीत के लिए ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों की जमीनी तैयारियां भी तेज हो चुकी है, मगर इन सब के बीच दावों और दाव लगाने की राजनीति भी चल रही है। ताजा मामला भाजपा सरकार में गृह मंत्री रहे और वरिष्ठ आदिवासी विधायक ननकी राम कंवर से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। लग रहा है 2023 में आएगा। 2023 में सरकार बनी क्या? कौन सी ना बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, कह रही बिल्कुल, और मैं बोल रहा हूँ। इधर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये वही ननकी राम कंवर हैं जिनकी सरकार में मुख्यमंत्री ही उनकी बात नहीं सुनते थे। इनका कुछ दाव पर लगाना नहीं लगाना कोई असर नहीं डालने वाला है। ननकी राम कंवर जी तो ऐसे ही संन्यास लेने वाले हैं। उनका पार्टी में ना उनका बात को सुनते हैं ना उनके सलाह को सुनते हैं। वो पार्टी में जरूर हैं लेकिन उनको तवज्जो पार्टी नहीं देती है। तो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना और जितनी बात जो कह रहे हैं, पिछले समय भी हम देखते थे सरकार में तो भी थे तो भी उनके बात को मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देते थे। छत्तीसगढ़ में इसके पहले मूछ और बालों को दाव पर लगाने का वाकया सामने आया था। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने 2003 के चुनाव में अपनी अति प्रिय मूछ को ही दाव पर लगा दिया था। तो वहीं वर्तमान में मंत्री अमरजीत भगत की बात हो या कवासी लखमा की, किसी ने अपने बाल दांव पर लगाए तो किसी ने राजनीति छोड़ने की ही बात कह डाली थी। बहरहाल ऐसे तमाम दावों की हकीकत जानने के लिए साल के अंत का इंतजार करना होगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, एक टीचर ने उस गरीब बच्चे से कहा था कि सफलता की राह में कभी पैसा रोड़ा नहीं बन सकता, अगर चाह है तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ पर राह है।
काजल मेश्राम के जीवन में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। दिहाड़ी और दूसरों के घर पर काम करके अपने तीन बच्चों को पालने वाली बहादुर माँ की बहादुरी बेटी काजल अब बालाघाट जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की मदद से खगोल विज्ञान की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वो इसरो में काम कर देश की सेवा करना चाहती है। कुछ कर गुजरने की हसरत तो सभी रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग वाकई कुछ कर पाते हैं, फिर चाहे कैसे भी हालात हो। ऐसा ही एक परिवार है जिसमें पिता उन्हें छोड़कर चले गए, बच्चे माँ और बच्चे, जिनके सामने रोज कमाने और खाने का संघर्ष था। सपने देखना तो दूर की बात थी। तकलीफ से बहुत परेशानी से पड़ी है। मेरे तीन बच्चे हैं और मेरा जो पति है वो यानी शराब वगैरह पीते रहते हैं, तो इस वजह से हमारे में तनाव रहते थे और घर की परेशानी से तीन तीन बाल बच्चे पालना बहुत कठिन है सर इस महंगाई के दौर पे। मैंने बहुत मेहनत करी। बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव तिलपेवाड़ा की है काजल मेश्राम। उसके लिए पढ़ाई कठिन थी और इसी कठिनाई ने उसे हौसला दिया। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। काफी लोगों ने बोला कि पेपर मत दो, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम दिया। उसके उस दौरान भी मेरे पिताजी शराब पीकर झगड़े वगैरह करते थे, तो जैसे कभी लाइट का बिल नहीं पटाया कुछ ऐसे, मैं दूसरों के घर जा करके मैंने पढ़ाई करी है सर। और फिर भी मैंने 10वीं में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैसी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल करी। उसके बाद मैंने 2 बार इसरो विजिट करा, नेतृत्व विकास शिविर, माँ तुझे प्रणाम जैसी यात्राएं करी, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है रिसर्च वर्क के लिए। और मैंने फिर US, UK, ऑस्ट्रेलिया सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और लकीली मुझे सारी यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र है। पर मुझे वही फाइनेंशियली काफ़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने फिर जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के सामने अपनी अर्जी रखी। ऐसे नगीने को तलाशना और फिर तराशने का जतन। ब्रेक के बाद अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना गरीब और भूमिहीन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना से जरूरतमंदों को काफी राहत मिल रही है। देखिए कैसे लोगों के जीवन में इसके जरिए बदलाव आ रहा है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें 3 किश्तों में प्रतिवर्ष 7,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अपनी तरह की पहली योजना जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। योजना तो बहुत बढ़िया है सर, एखर लिए ना भूमिहीन के मजदूर किसान है और आदमी भी है वाला बहुत अच्छा सहायता राशि मिले थे, और एखर से ना परिवार के भी अच्छा सुधार भी हल्का से आई से, और लिखा बच्चे मन के भी देख रेख पढ़ाई लिखाई और एमा ना बहुत सुधार आए हैं। अच्छा योजना चालू करे सरकार है, एकर से ना अच्छा भी सहायता राशि मिला थे। कलेक्टर जन्मजय महोबे ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें एक वर्ष में 3 किश्तों में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जाती है, जिसमें कबीरधाम जिले में 24,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। राज्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें जो भूमिहीन कृषक है उनको 3 किश्तों में 7,000 की राशि दी जाती है और एक वित्तीय वर्ष में, और हमारे यहाँ लगभग 24,894 कृषकों को, ऐसे मजदूरों को जो भूमिहीन कृषक हैं, उन्हें इससे लाभान्वित किया गया है। कुछ शहरी क्षेत्र के भी लोग शामिल हैं और ये लगातार दिया जा रहा है और काफ़ी इससे लोगों को लाभ हो रहा है। देखिए भूमिहीन कृषक हमारे यहाँ अभी भी खेती की जाती है, तो कई खेती में भी मजदूर लगते हैं और कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कुछ समय मनरेगा के लेबर रहते हैं और कुछ समय कृषि मजदूर रहते हैं, तो इनको अगर 7,000 रुपये की राशि मिलती है तो अतिरिक्त तो व्यय के रूप में इनको काफ़ी राहत रहती है। कवर्धा जनपद के रेंगाखार के लाभान्वित लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है,
यह एक अच्छी पहल है। इस योजना से मिलने वाले रुपए का वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घरेलू जरूरतें पूरी करने में उपयोग कर रहे हैं। बढ़िया है योजना है और पैसा भूमिहीन के देते हाथ गोढ़े सूजी पानी है साग भाजी है बाल बच्चा के लिए अपन सब काम ला चलाते। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सहायता मिल रही है। भूपेश सरकार भूमिहीन परिवारों को रुपए की राशि प्रदान करके संबल प्रदान कर रही है। INH न्यूज ब्यूरो। इस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भाजपा कोर कमेटी की अनौपचारिक बैठक आज थोड़ी ही देर में शुरू होनी है। बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया इस बैठक में शामिल होंगे और शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरह से ये बैठक आयोजित हो रही है, इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारी शुरुआती तौर पर जो आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है और इसके जरिए आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टी करना चाहती है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इसमें शामिल होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। मुरलीधर राव जो कि प्रदेश प्रभारी है वो भी शामिल होंगे। तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। जिस तरह से हाल फिलहाल में हमने ये देखा था कि सागर जिले के जो तीन मंत्री हैं उनकी नाराजगी सामने आई थी, और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इसके पहले सागर से तीन नेताओं की नाराजगी और आपसी कलह की खबरें सामने आई थी, ऐसे में अलग अलग जगहों से इसके पहले भी नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आती रही है। दीपक जोशी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, सत्यनारायण सत्तन से मुलाकात हुई और कई नाराज नेताओं की बातें सामने आती रही है, और अब ये जो बैठक हो रही है क्या इसका मतलब ये माने कि अंदर खाने अब सब कुछ ठीक करने की कवायद तेज कर दी गई? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही है उसमें जो नाराजगी की वजह रही है, कहीं पर सिंधिया समर्थक रहे हैं, कहीं नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे हैं, कहीं वीडी शर्मा के, ये चार नेताओं के इर्द गिर्द बहुत सारी नाराजगी की वजहें रही हैं और यही कारण है कि आज ये चारों नेता एक साथ अलग से बैठ रहे हैं। दरअसल ये कोर कमेटी की बैठक नहीं है जबकि कोर कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्यों की बैठक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो सामने साफ तौर पर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने के लिए एक अलग कमेटी गठित कर दी गई है जिसमें मुख्य रूप से कमान नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही है। खास तौर पे 2023 के चुनाव की दृष्टि से अगर चुनाव प्रबंधन समिति की बात करें, चुनाव अभियान समिति की बात करें, तो भले ही इनका ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इनकी कमान कम से कम दो केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपनी जिम्मेदारी है जनता के बीच जाने की, भाजपा संगठन संभालने की जिम्मेदारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की है। इसके अलावा जो दो बड़े चेहरे रहने वाले हैं इस पूरे चुनाव प्रबंधन और चुनाव अभियान में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर रहने वाले हैं, इसलिए ये चारों नेता आज अलग से चर्चा कर रहे हैं। विशेष विमान से जो है दोनों नेता आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे और भोपाल से सीधे भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के लिए रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंच रहे हैं, प्रभारी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। तो इन तमाम नेताओं के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। पहले तो इनके आपस में जो समर्थक, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया को ही जिम्मेदारी दी जा रही आने वाले समय के लिए, जबकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं और दोनों के बीच पहले ही गतिरोध की खबरें समय समय पर आती रही है। देखना ये होगा किस तरह से चीजें बैलेंस हो पाती है, क्या आगे हो पाता है। आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, भोपाल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर हमला किया गया है। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, वैराग्यानंद गिरी पर हमला किया गया है जिनका नाम मिर्ची बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है।
बताया जा रहा है कि हमले में बाबा बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उनके सिर में चोट आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बाबा को ज्यादा चोट नहीं आई है। दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा जेल में बंद है और टीवी चैनल बदलने को लेकर कुछ कैदियों के साथ बाबा पर कुछ कैदियों ने बाबा पर हमला कर दिया और जिससे कि बाबा के सिर और हाथ में चोट आई है। बता दें कि विवाद के बाद दोनों कैदियों को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया। तो मिर्ची बाबा दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है और अब ये विवाद की स्थिति सामने आई है। उनको दूसरे कैदियों ने उनके साथ मारपीट की है, घायल उनको किया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। विवादों में वो अक्सर रहे हैं, हालांकि मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है। चैनल को बदलने को लेकर ये विवाद सामने आ रहा है। तो इसी के साथ सात के बिसात में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INews 24/7 के साथ। नमस्कार।